पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लोकसभा चुनाव के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेजी से परवान चढ़ रही हैं, लेकिन उसी तेजी से राजनीतिक हलचल भी मची हुई है। कुछ ऐसा ही मुरादाबाद में देखने को मिल रहा है, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी नासिर कुरैशी का विरोध शुरू हो गया है। कार्यकर्ताओं ने हाजी नासिर कुरैशी का टिकट न बदलने पर पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने की चेतावनी भी दी है। सपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी के कैंडिडेट को हरा हुआ प्रत्याशी बताया है। पार्टी हाईकमान ने भी इस पर चर्चा शुरू कर दी है। दूसरे चरण का चुनाव नजदीक है और मुरादाबाद में अभी भी गठबंधन के प्रत्याशी पर सही बात सामने नहीं आ पा रही है। गठबंधन के द्वारा हाजी नासिर कुरैशी को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद मुरादाबाद के सपा कार्यकर्ताओं में कैंडिडेट का विरोध खूब हो रहा है और पार्टी हाईकमान से लगातार पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं और गठबंधन के प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने पब्लिक टीवी से बात करते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस से हाथ मिलाकर हमें रास्ता दिखा दिया है और यदि गठबंधन के प्रत्याशी को नहीं बदला गया तो तय है कि कांग्रेस की सदस्यता ले ली जाएगी। समाजवादी पार्टी का मैं सबसे पुराना रुकन हूँ, 1992 समाजवादी पार्टी में हूँ। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची है कि पार्टी ने जो ये फैसला लिया है कि डॉक्टर एसकेशन का टिकट काटा। डॉक्टर एसकेशन ही वो प्रत्याशी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को मुरादाबाद में हरा सकते हैं। डॉक्टर एस पी हसन के अलावा दूसरा कोई प्रत्याशी इस पोजीशन में का नहीं है जो बीजेपी को हरा सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष को कुछ हमारे ही लोगों ने वरगलाया है और गलत बातें बताई हैं डॉक्टर साहब से मंसूब करके। हम उसकी सख्त निंदा करते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपील करते हैं कि वो पुनः विचार करें और पार्टी के पक्ष में यही अच्छा होगा कि वो इस टिकट को समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एस के हसन को दें, ताकि समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ इस सीट को जीते और एक मिसाल कायम करे उत्तर प्रदेश। जो कैंडिडेट सपा ने मुरादाबाद को दिया है, कैसा कैंडिडेट है? उनके बस की बात नहीं है नासिर कुरैशी के, वो दो विधानसभा के चुनाव लड़े हैं। उनको एक चुनाव में 24,000 वोट मिले हैं, दूसरे में 47,000 विधानसभा के में वोट मिले हैं। वो इस लायक नहीं है कि वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़े। डॉक्टर एस टी हसन समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़े, 3,97,000 वोट लेके आए थे और मोदी जैसी लहर में उन्होंने फाइट करी थी चुनाव। आज तो गठबंधन की तूती बोल रही है, अगर समाजवादी पार्टी का टिकट डॉक्टर एस के हसन को दिया गया तो आप यकीन जाने लाखों वोटों से डॉक्टर एस के हसन का गठबंधन का सपोर्ट करेंगे या डॉक्टर एस के हसन नहीं, गठबंधन का सपोर्ट करेंगे। डॉक्टर एस के हसन के हक में कहेंगे पार्टी के हक में बेहतर है, वरना पार्टी को नुकसान होगा। यहाँ अगर पार्टी ने इसके बाद में कोई निर्णय, कल से अभी तक चर्चा ने तो पार्टी का जो भी निर्णय होगा, आपका मत क्या कहेगा? हमारा मत ये कह रहा है कि ये नाइंसाफी होगी। हमारा सपोर्ट किसको करेंगे? सपोर्ट तो हम किसी को नहीं करेंगे, फिर हम न्यूट्रल हो जाएंगे अगर ऐसी बात। कैसे भाई, जो समाजवादी पार्टी के द्वारा जो टिकट का फाइनल किया गया था उसे किस तरह से मानते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, विडम्बना और चापल लोग से जिसकी वजह से पूर्व में भी हमें नुकसान हुआ। अगर वो सही लोगों की राय से टिकटों का चयन करे तो वो दिन दूर नहीं कि भारतीय जनता पार्टी देश से वापस हो सके। जिस तरीके से रुझान और लोगों की दिलचस्पी डॉक्टर एसोसिएशन के लिए थी, उस पर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों में मायूसी हुई। ये मायूसी अपना रंग लाएगी अगर इसमें परिवर्तन नहीं हुआ, और ऐसा रंग लाएगी कि शायद मुरादाबाद का इनकलाब हमेशा के लिए आरक्षण में लिखा जाए सुनहरी रूपों से कि एक शरीफ और नहायत ही ईमानदार आदमी का टिकट काट के इस तरीके से वितरण कराना ये बहुत बड़ी निंदा की बात है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। क्या क्या सोचकर पार्टी ने निर्णय लिया होगा? नहीं देखो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमारे पूरा प्रदेश देखना और प्रदेशों में भी चुनाव लड़ रहा है गठबंधन में जोइन जी के साथ, उनको किसी ने ऐसा भ्रमित किया कि कुछ देर के लिए उन पर एक्शन हुआ, लेकिन जब लोगों की राय गई, लोगों से मशवरे हुए, पूरी तरह सुबह से आज मुरादाबाद पर चिंतन है। ये चिंतन कोई ना कोई अच्छी खबर लाएगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं।
सीधे तौर पर कहें कि जो कैंडिडेट दिया गया है पार्टी के द्वारा उसका उसे बर्दाश्त नहीं किया जाए, स्वीकार नहीं किया जाए। देखो ऐसा नहीं है कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा या हम किसी तरह की निंदा करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पार्टी जीते, विनर कैंडिडेट होना चाहिए। डॉक्टर साहब के लिए यह है कि पूरे लोकसभा क्षेत्र जो 165 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, एक एक बच्चा बच्चा सन 2009 से जानता है, जो भी कोई नया कैंडिडेट आएगा उसको अपनी पहचान कराने में समय लगेगा, समय हम कहेंगे, समय के अभाव में हमें नुकसान हो सकता है। सीट यानी कि अगर इस कैंडिडेट पे जाती है तो हारती नहीं, समय का अभाव, जब लोगों की सामने से परिचय नहीं होगा कौन कैंडिडेट आया है, पुराने कैंडिडेट डॉक्टर एक्सेशन साहब है, बच्चा बच्चा जाता है, गली गली लोकसभा की जाता। पार्टी ने कोई निर्णय अगर सही नहीं लिया अगर इसके बावजूद भी, तो क्या सीट आप पाले में रहेगी? मैं समझता हूँ मुरादाबाद की आवाम की जो भावना है उससे मैं अवगत कराना चाहता हूँ, नुकसान नहीं बड़ा नुकसान। क्या कहना चाहेंगे समाजवादी पार्टी के द्वारा जो टिकट दिया गया है मुरादाबाद को और जो कैंडिडेट मुरादाबाद को दिया गया है वो कैसा कैंडिडेट रहा है? क्या समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेताओं का बहुत गलत फैसला है, जहां जनता में बड़ा गलत मैसेज गया है। और मुरादाबाद लोकसभा ही नहीं, डॉक्टर एसटीएसएन का टिकट करने का मतलब है इस मंडल की सारी सीटों पर फर्क पड़ेगा, क्यों डॉक्टर एसटीएसएन पूरे मंडल का ऐसा वाहिद नेता है समाजवादी पार्टी के, जिन्होंने कभी सियासत के नाम पर एक पैसा नहीं खाया, सियासत को इबादत समझ के करते हैं, इसलिए उनकी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब इज्जत करते हैं। पिछला पार्लियामेंट के चुनाव जो लड़ा था 4 लाख वोट हासिल किए थे, उसमें 60-70 हज़ार उनके साथ हिंदू वोट जुड़ा हुआ था, अब के दलित प्लस करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को 2-2.5 लाख वोटों से हराने का काम करते हैं, ये कहीं ना कहीं साजिश है। हमारे चाहे लोकल नेता कुछ बिके हो इसके अंदर मिसगाइड किया गया, हमारे राष्ट्रीय नेताओं को सिर्फ सर्वेश को जिताने के लिए काम किया है, आसपास मंडल में गठबंधन का बिखरने का ये काम कुछ लोगों ने करा है, जो हमारे नेताओं को मिसगाइड किया गया है स्टेशन की तरफ से। और ये फैसला पार्टी को एक दफे पुनः विचार आज कर लेना चाहिए, अगर पार्टी इस पर विचार नहीं करेगी तो समाजवादी पार्टी के बिखरने का खतरा है और बहुत बड़ी तादाद में लोग पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। और कांग्रेस का रुझान बढ़ चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर, अब जनता को जाने में कोई झिझक नहीं है, क्यों हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने ही कांग्रेस से हाथ मिलाकर हमें रास्ता दिखाने का काम किया है, सारी जनता का हाथ खुल चुका है कांग्रेस पर, हमें जाने में कोई डर नहीं है, हम बीजेपी को कांग्रेस के जरिए भी रोक सकते हैं, यह हमारा कहना है। बड़ी तादाद में हम लोग समाजवादी पार्टी छोड़ने को तैयार बैठे, अगर गलत फैसला हुआ, अगर फैसला सही नहीं।